रितेश बोले तो मैं आज मजबूर हो गए, मैं क्या बोलते हैं नया पुल वहाँ पे पुल के पास कूद जा रही हूँ थी, पूरे पैरा डाल दी थी लोग, मेरी बदकिस्मती की जो लोग मेरे को पकड़ के पुलिस स्टेशन को लेके आए, वहाँ के पुलिस अफजलगंज पुलिस स्टेशन में वहाँ पे बिठा के मेरे को समझाए करे, इन लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जा रही, मेरे को छोड़ने का नहीं है, मगर मेरा शौहर मेरे को सास ससुरे और इनकी बाड़ों में आके ऐसा कर रहा हूँ, उन लोगों का ही सुन रहे हैं, उन लोगों की तरफ से मेरी ज़िंदगी ख़राब कंप्लेंट करे, बल्कि आके घर के ऊपर हमला करे, हमारे 30-40 जने मिलके करे, बच्चा घर पे नहीं था, लेडीज़ के ऊपर हमला करे, उसके बाद बच्चा जो है कॉल करके बच्चे को बुलाए, बुला के अभी नसीर और समीर और सलमान और ताहिर ये 4-5 जने मिलके पूरा घर पे हमारे 40 लोग आए, पूरे आके पूरा हमला करे हमारे घर के ऊपर, घर के अभी अजीम को ले लेके गए पुलिस स्टेशन में, और नदीम ऐसा ही अभी लेके जाके अजीम कुछ अभी 2 पचकड़ मारे गए थे, और उनके ऊपर लैंग्वेज सही नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, और ये मारड़ दे पल्ली का पीएस जो है ना एक्शन सही लेता नहीं और सही इंसाफ नहीं करता, हमारे को इंसाफ हो गया तो आप कर दो जरा गाड़ी आप कर दो, हो गया आप कर दो। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम अजीम है, आज मैलारदपल्ली लिमिट में हम लोग एक मैलारदपल्ली पीएस में कंप्लेंट करे, वहाँ पर पुलिस एक्शन नहीं ले रही थी, तो मैं जो है मीडिया बुला के हमारे बहन के बारे में बोला करा, तो हमारे बौने साहब जो है 15-20 को लेके मेरे घर पे अटैक कर दिए, तो मैं वहाँ पर नहीं था, मैं दोस्त को छोड़ के मैं आ रहा था, मेरे कार के आईने फोड़ दिए, मेरे घर में घुस गए, लेडीज़ के ऊपर मारना स्टार्ट कर दिए और घर पे लाता मारना स्टार्ट करे, मैं आया तो मेरे को मारना स्टार्ट करे, फिर वहाँ पर जल्दी हम लोग जो है इमिडिएटली पुलिस को कॉल करे, पुलिस वाले आके जो है मैलारदपल्ली पुलिस स्टेशन में ले गए मेरे को, ले जाके उल्टा कंप्लेनर होल्डर मैं हूँ, तो पुलिस वाले ले जाके वहाँ पर मेरे को पट्टों से मारे और जो है सर पकड़ के डिच्चे मारे मेरे को। मेरी गुजारिश ये है कि इस सख्त से सख्त एक्शन होना, पीएस को हम लोग 4-5 चक्कर काटे, अभी तक वो पीएस वाले ना एक्शन ले रहे हैं ना हम लोगों को कोई रेस्पॉन्स दे रहे हैं, उन लोगों की सुन रहे हैं और उन लोगों के जो कर रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि सख्त से सख्त उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कीजिए, और महमूद अली होम मिनिस्टर साहब से भी मेरी अपील है कि इस पर गौर डालीजिए, अगर ये नहीं हुआ एक्शन तो इंशाल्लाह मैं कमिश्नर ऑफिस जाऊंगा, वहां पर भी जाके करूंगा, और मेरा सर पूरा गुम कर रहा, कान में सुने नहीं आ रहा, मेरे को पुलिस वाले उतना मारे, मेरे को पैरों पे मारे, कान पे फटा बना के मारे और ये सर पकड़ के डिचे मारे, आप ये पूरे घोमड़े आ गए सर पे। मैं उस्मानिया हॉस्पिटल आया, आगे जो है MLC कराया, इंशाल्लाह कल सुबह पहुँचूंगा। नाम समीर खान है और उनके भाई सलमान खान और ताहिर खान और नसीर खान, ये 4 जने 15-20 दोस्तों को फ्रेंड्स को लेके हथियारों के साथ जैसे कि स्टिक हॉकी और पंच हुए क्या क्या था कि ये होठ पे फटा मार के मेरा होठ फोड़ दिए, मेरे मुँह से ब्लड निकल रहा था। SI साहब नदीम साहब भी देख रहे हैं वहाँ पर, कांस्टेबल पूरा मैलारदपल्ली के जो जवान है वो लोग भी देख रहे हैं, उल्टा मेरे कुछ पनिश कर रहे हैं, कंप्लेनर होल्डर मैं हूँ, मेरे कुछ पनिश कर रहे हैं, उसको पनिश नहीं कर रहे हैं, मेरे कुछ मार रहे हैं वहाँ पर। अब मैं आया यहाँ पर MLC कराने, फिर हमारे भैया मीडिया को बुलाया, इसलिए बोल रहा हूँ। ये अटैक करने की वजह क्या है आपकी? अटैक करने की वजह भैया मेरे बहन के ऊपर, उनके सास जेठ बस हमारे भौने उनके देवर पूरे जुल्म कर रहे हैं, 4-4 दिन को घर पे भेज दे रहे हैं कि पैसे लेके आ, 20,000-30,000 ऐसा मंगा रहे हैं, जिस दिन हमला पैसे नहीं दिए उस दिन मार के मेरे बहन को घर पे बिठा दे रहे हैं, और ये पूरा गेमलर बोले तो ताहिर खान है जो उनका चिच्चा है तो उन्हें गेम कर रहा, तो मैं जो है खाली कंप्लेन देके मीडिया बुला के वहाँ पर हमारे बहन का बयान देने लगाया, तो मेरी कार पे अटैक, मेरी कार तोड़ दिए और मेरे घर पे अटैक करे, अभी इसका कौन जिम्मेदार है? फ्रेंडली पुलिस बोलते, हम पुलिस से मदद मांग रहे हैं तो पुलिस हमारी मदद ही नहीं कर रही, उल्टा हमारे कुछ पनिश कर रही पुलिस, तो कहाँ की पुलिस हुई भैया, कहाँ का इंसाफ हुआ, बोलिए। आप लोग से अपील है, जो जो ये वीडियोज़ देख रहे हैं प्लीज़ शेयर कीजिए उसको।